भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया ने शिवराज सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई। उन्होंने पत्रकार से चर्चा करते हुए बताया कि भाजपा सरकार ने कोरोना काल में सरकार ने बेहतर तरीके से लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई, वहीं सरकार में अपराधियों पर भी लगाम लगाई है। इसके अलावा उन्होंने अन्य विकास कार्यों की भी जानकारी दी। विधानसभा मुख्यालय प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में आप सभी पत्रकार मित्रों को स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज जी के 4वें कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर हमने प्रेस वार्ता भी की है। सभी क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूँ कि 4वें कार्यकाल में मुख्यमंत्री माननीय शिवराज चौहान ने जो कदम आगे बढ़ाए उससे मध्य प्रदेश में एक रचनात्मक कार्य की भूमिका को देखने को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि उन्होंने 15 महीने के कांग्रेस शासनकाल में जो गुंडागर्दी बढ़ गई थी, तो भ्रष्टाचार बढ़ गया, तो उसको रोकने का काम किया। ऐसे असात्विक तत्व जिन्होंने गलत तरीके से संपत्ति को अर्जित किया था, वो विशालकाय भवन आवास बना के रह रहे थे, लोग अत्याचार करके पैसा कमाते थे। ऐसे जो अपराधी वर्ग के लोग होते हैं, उनके मकानों को, उनके आवासों को, उनके बाजारों को तोड़ने का काम मानी सुधाई नेतृत्व में हुआ है। दूसरी बात, अवैध काम करने वालों को कड़ी कड़ी सजा मिले, इसके लिए कुछ लगाया। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, नाबालिग अबोध बच्चियों के साथ जिन्होंने बलात्कार किया, उनको फांसी या सजा देने का प्रावधान होने करके राष्ट्रपति को अपने प्रस्ताव को भेजा। 15 महीने के कमलनाथ जी के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण योजना मध्य प्रदेश शासन ने की, संबल योजना, इससे हर गरीब परिवार के निधन मृत्यु होने पर उस परिवार को 2 लाख रुपये अनुदान राशि मिलने की सहायता की। 5,000 डिस्ट्रिक्ट बिंदु तो सूचना कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था, उन्हें 4थी बार मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद उस योजना को चालू किया। परासिया से शेख फरीद की रिपोर्ट।